हल है, हल है जो आसमानी किताब है, उसकी हिफाजत और रसूल करीम जो आपके रसूल हैं उनकी सीरत और उनकी अदिश की हिफाजत इन्हीं मौजू के तहत हम ये कहने का दावा कर सकते हैं कि इंसानियत का हल इस वक्त इस्लाम ही है दूसरे मकर हमारे नहाय की मोहतरम औरज्ज़ मेहमान ग्रामी जनाब डॉक्टर वसीुल्ला अब्बास हफिजल्ला है। हैं आज के इस प्रोग्राम में आपने महसूस किया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ताल्लुक से जो कुछ आपके सामने बातें आ सकी हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं गर्चे बड़ी अहम और बहुत मुफीद हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में नबी करीम अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तब आपको महसूस होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपके सीरत के औराक में कितने मोतियाँ बिखरे हुए हैं और उन्हें अगर आप चुनकर अपने दामन में समेट लें तो पूरी दुनिया उनसे मुनवर हो सकती है हजरात ये हमारी कमी है कि हम खुद खाली हैं तही दामन हैं रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के वाकयात और आपके हालात का हमने कम मुताला किया है इसलिए जब कोई ऐसी बात आती है तो बहुत कम हम रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा कर पाते हैं इसलिए मेरी आज के इस इसवान के पस मंज़र में फिर गुजारिश है आपसे कि आप ज़रूर जाएँ खुद अलैहि वसल्लम की सीरत पर ज़रूर पढ़ें अपने बच्चों को पढ़ाएँ अपने घर में कोई सीरत की किताब जरूर रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तयबा को याद करने की कोशिश करें और उसे हमेशा अपने जहनो दिमाग में महफूज रखें हजरात अब आपके सामने मैं दावत दे रहा हूँ अपने मोहतरम मुआज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर वसीउल्लाह मोहम्मद अब्बास हफिज़हुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर खिताब फरमाएँ हजरात मैं खिताब की दावत देने से पहले चाहता हूं कि आप मौसू की शख्सियत से वाकिफ हो जाएं। आप हिंदुस्तान के सूबे यूपी में ज़िला सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं लेकिन मदीन मनवर में तालीम हासिल करने के बाद आप मक् मकरमा उमुल क्रा यूनिवर्सिटी से मुनसलिक हुए वहाँ से आपने पीएचडी किया डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की कई किताबें लिखी और वहाँ मुख्तलफ मैदानों में आपने काम किया जिसमें सबसे अहम काम यह है कि आपने हदूद हरम को इस जमाने में उसकी शनाख्त के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके आप एक बुनियादी रुकन थे उस कमेटी में सिर्फ चार लोग थे उसमें से एक मौसूफ की शख्सियत थी मौसू इस वक्त उमलकुरा के प्रोफेसर हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपके लेक्चरस होते हैं नहायत ही सादा मुतवाज़े मिजाज हैं और आप दायाना जज्बा रखते हैं आपने कई किताबें तसनीफ़ की हैं अगर आपकी किताबों को गिनाया जाए तो यहाँ मुमकिन नहीं है लेकिन मैं उनमें से चंद बुनियादी किताबें आपके सामने रखना चाहता हूँ मसलन आपने फ़ज़ाइल की तहकीक़ की है आपने एलम आरफतुलरजाल जो चार जिल्दों में है उसकी आपने तहकीक़ की है उसका एक दूसरा एडिशन है जो एक जिल्दों में है उसकी भी आपने तहकीक की है आपने अलस्जिद हराम तारीख़ हो वहकाम हो मस्जिद हराम उसकी तारीख़ उसके अहकाम इस पर आपकी पूरी किताब मौजूद है आपने तहकीकाम अरबी में तर्जुमा किया है आपने इसके अलावा अल व व दौरू फ़ी खिदमत सुन्ना यह आपकी एक मशहूर किताब है बहरुद्दम फ़ीमा तकल्मा बील इमाम अहमद फ़ीम वम यह भी आपकी एक किताब है इस वक्त आप मक्म मक्रमा में क़्याम करते हैं आपका है इस्लाम इंसानियत के लिए हल जो इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नवान है इसलिए आप बहुत गौर से सुने और जो सवाल आपके जहनों में आएँ उसे आप नोट फरमा लें ताकि मौसू से आप सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें मैं बसद अहतराम डॉक्टर वसीउल्ला मोहम्मद अब्बास हफिजाल्ला से गुज़ारिश करता हूँ कि वो आपसे अपने मौजू पर खिताब फरमाए نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله

पूरी दुनिया उसमें किसी कौम और किसी मजहब की पाबंदी के बगैर आवाज़ दी जा रही है दावा किया जा रहा है कि इस्लाम ही इंसानियत का हल है क्योंकि इंसानियत के लायन हल मसाइल जिस इंसानियत ने बहुत कुछ तजर्बात किए और उसके मसाइल हल नहीं हुए पुराने ज़माने में इसी इस्लाम के जरिए से वही मसाइल हल हुए थे अब भी उसी के जरिए से वो मसाइल हल होंगे इस मौजू को मुख्तसर करने के लिए हम चंद अमूर के जरिए इस्लाम की अहमियत इस्लामी इंसानी ज़िंदगी पर पर जो उसके असर हैं उसको वाज करने की कोशिश करूँगा इस ज़मन में इंसान की गर्ज वायत तख्लीक़ की याद दहानी होगी तोहद बारी और इतबा सुन्नत का तजकर होगा फिर अल्लाह रब रहीम के एहसान का तजकरा कि इस गर्ज़ायद की याद दहानी के लिए उस रब ने हमें अपने अक्ल के भरोसे पर नहीं छोड़ रखा बल्कि उस रब ने हम सब को अपने अम्बिया कराम जैसी मुक़दस शख्सियतों को भेज करके हिदायत का रास्ता दिखाया इसी तरह एक सवाल इस इसनवान के तहत एक सवाल आता है सर उठाता है ये सवाल कि इस्लाम ही क्यों हल है इसकी मुख्तसर तफसीर इन होगी और उसके मंजुमला इसबाब के कि इस्लाम ही हल है इस्लाम की शमूलीत इस्लाम की कामिलियत और उस सबसे पहले इस्लाम की जो आसमानी किताब है उसकी हिफाजत और रसूल करीम जो आपके रसूल हैं उनकी सीरत और उनकी अहादेश की हिफाजत इन्हीं मौजू के तहत हम ये कहने का दावा कर सकते हैं कि इंसानियत का हल इस वक्त इस्लाम ही है लेकिन शुरू में ये बात कह देना चाहता हूँ बुरा बुराना माने कि अगर किसी मुसलमान भाई को या किसी गैर मुस्लिम दोस्त को इस्लाम का चेहरा देखना है तो वो किताब सन्नत के आने में देखे लेकिन रास्ते में आपको बहुत से लोग दावा करने वाले होंगे कि हम भी किताब सुन्नत ही की दावत देते हैं हकीकत यह है कि हम इस्लाम को दीन खालिस से ताबीर करके कहना चाहेंगे कि अगर इस्लाम का खालिस वाज़ह और पाक साफ चेहरा देखना हो तो दीन खालिस की रोशनी में देखें जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है दीन ख़ालस अल्लाह ही के लिए खालिस दीन है इसी तरह अल्लाह इज्जत ने फरमाया है उमा उमिर अब्ल लहुद्दीन लोगों को हुक्म जो दिया गया है इस चीज़ का कि वो वह ला शरीक ही के लिए दीन को खालिस करें तो अब हम चाहेंगे कि आप इसको किसी नाम से याद करें इसी शक्ल में आप दीन खालिस की रोशनी में ढूंढें इस वजह से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि असल इस्लाम की असल रूह तोहद और इतबा सुन्नत है और इस वजह से भी कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से दावत के मुख्तलिफ मयादीन मुख्तलफ़ ममालिक में जाने का दावत की खातिर मौका मिला मुझे याद आता है कि बरतानिया में लंदन या ब्रेडफोर्ड में मुझे कोई एक गोरा आदमी गोरा कहते हैं अंग्रेज़ को यानी वहाँ गोरे लोग कहते हैं गोरे गोरा आदमी मिला जो नौ मुस्लिम था हकीकत में और उसने इस्लाम की बहुत सी मुख्तलिफ वादियों में ठोकर खाई थी आ के मुझसे कहता है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो सबसे पहले मुझे एक अहमदी मिले हम उनको क्या कहते हैं अहमदी को कादियानी उन्होंने अपना इस्लाम हमें समझाना चाहा और ऐसा बंद रखा कि लोगों से मिलने भी नहीं देते थे ऐसा मालूम होता था कि वो इस खेती में जल्द अज जल्द अपनी बीज बो करके और अपनी खेती उगा देना चाहते हैं कहते हैं किसी तरह उनसे निकला तो फिर एक मस्जिद है जो अल्लाह जानता है बहुत ही खर्च करके और बहुत लंबी चौड़ी घमकोल शरीफ़ के नाम से वो मस्जिद है घमकोल शरीफ सुने अजीब नाम है पाकिस्तान का कोई इलाका है सिंध का वहाँ किसी पीर के नाम से वो मस्जिद बनाई है ज़ाहिर बात है और बहुत ही लंबे चौड़े हरफ में खूबसूरत उर्दू नस्तली ख़त में लिखा है घमकोल शरीफ वो बेचारे कुछ दिन वहाँ कुर्बान रहे फिर उसके बाद और कहीं गए आखिर में किसी और कुछ लोगों से मुलाकात हुई बेचारा बहुत कुछ परेशान था मेरे पास आया तो उसने कहा कि हमें किस इस्लाम पर अमल करना चाहिए अहमदिया कादानिया ने भी और दूसरे लोगों ने भी सब ने कहा कि लिखो से बचना तो हमें टोह हुई कि वहावियत है क्या तो हमने देखा इस्लाम का जब मतला किया और उनके अमाल का मताल किया तो देखा कि इस्लाम असल यही है अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ उसने आकर के सवाल किया इस वजह से मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस्लाम का असल चेहरा देखना है तो किताब और सुन्नत बल्कि खालिस दिन की शक्ल में देखने की कोशिश करें इतनी बात हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताल ने इंसानों की हिदायत के लिए अम्बिया का एक सुनहरा सिलसिला सिलसिला जहबिया शुरू किया इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे प्यारे रसूल वसल्लम हैं तमाम अम्बिया आए और तमाम अम्बिया के अदियान पर उस वक्त अमल होता रहा बल्कि बाज़ अम्बिया सिर्फ़ अपनी कौम के पास आते थे उन अम्बिया के पास किताब भी होती थी किसी के पास किताब नहीं होती थी हमारे प्यारे रसूल को अल्लाह ने किताब और गैर किताब भी दी जिसको वही सुन्नत कहा जाता है और दोनों को दीन का खुलासा बताया जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अति और रसूल और इस तरह और बहुत सी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी अतात और अपने रसूल की अत का हुक्म दिया है जितने अम्बिया गुजरे हकीक़त में ये चीज़ अभी यहाँ दावे की है उसकी दलील भी आप पूछ सकते हैं देख सकते हैं तारीखी शवाहिद में जितने अम्बिया आए उनके पैरोकार हरगज़ ये दावा कर नहीं सकते कि हमारा दीन यहूदी हैं या ईसाई हैं या और कोई हैं वो दावा नहीं कर सकते कि हमारा दीन बेनी ही उसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में उतरा था इस्लाम ही हल है क्यों क्योंकि इस्लाम उसी शक्ल में मौजूद है जिस तरह उतरा था दूसरे अध्यान के अंबिया की मौत और उनके हयात को देखा जाए उनकी सीरत को देखा जाए तो हमें ख़ाल खाल कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और फिर अल्लाह ने गवाही दी यकीनन कि ये लोग अपने अल्लाह की किताबों में भी तहरीफ करते रहे अल्लाह ताला इस दुनिया में अमन और सलामती कायम करने के लिए इंसान को भेजा और फिर प्यारे रसूल को आलमीन इसी मानने में बना करके भेजा इस वजह से अगर कोई शख्स कोई भी दीन ढूंढना चाहता है तो तारीखी तौर पर वो दिन सबित नहीं मिलेगा अगर दावा भी करता है तो सबित नहीं कर सकते हम एक मुसलमान की हैसियत से इस्लाम के इस्कालर की, की हैसियत से ये पूरे यकीन के साथ दावा कर सकते हैं कि हमारा कुरान जो अल्लाह दिया है वो पूरे तौर पर मनवा पूरे ज़ेर ज़बर के साथ जिस तरह अल्लाह के रसूल पर उतरा था एक आयत में अगर दो तरह से पैर रसूल ने पढ़ा है वो भी महफूज है अख्तिलाफ़ी करात के साथ बेनीही तवातुर के साथ महफूज है जिस पर दीन की बुनियाद है इसी तरह दूसरा खम्भा जिस पर दिन की बुनियाद है वह हदीस रसूल सल्ला वसलम है अल्लाह ने दोनों की हिफाजत की जमानत ली ज़िम्मेदारी ली अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नज्ल नदी करवाफिजन कुरान को बगैर हदीस के सुना समझा नहीं जा सकता इस वजह से इस ज़िमन में हदीस की भी हिफाजत की अल्लाह ज़िम्मेदारी की उसके शवाहिद में वाज तौर पर है कि हदीस की हिफाजत के लिए अल्लाह तसी शख्सियतों को पैदा किया जो मोज़ाती हाफा रखते थे और उन्होंने सैकड़ों मील के रहलात और असवार करके अहदीस को इकट्ठा किया एक एक लफ्ज़ को अलग किया और इस ज़िम्मन में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल मुबारक ही नहीं बल्कि जिस शख्स का ताल्लुक़ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है रिवायत करने वाले हैं इनमें से एक एक के अहवाल की पूरी तफसील कब पैदा हुए कहाँ कहाँ पढ़े और कब किससे लिया किससे नहीं मुलाकात हुई कुछ उन्होंने तजावज़ करके जिससे मुलाकात नहीं हुई उनसे भी रिवायत की जाहरी तौर पर क्या शुरूत हदी सही इसमें मिलते हैं नहीं बहरहाल ये एक ऐसा इल्म है जिस पर मुसलमानों को फ़ख्र का हक़ है जैसा कि गैर मुसलमों ने भी इसका एतराफ़ किया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो जवाब होगा कि इस्लाम ही क्यों इंसानियत का हल है इस सवाल का जवाब ये होगा कि इस वजह से कि आसमानी दिनों में से जिस रब ने इस इंसान को पैदा किया उस रब ने उनकी मसलहत के लिए जो दीन उतारा है और हमारी अक्ल के ऊपर नहीं छोड़ रखा है उस रब के अध्यान में से जिस दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है वो इस्लाम है और वाकियाती तौर पर उसके शवाहद पूरी दुनिया के लोग यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह पर ईमान भी नहीं लाते तारीख़ी बहस करते हैं वो लोग भी इस पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम का क़रने पाक या कलाम इलाही और इसी तरह रसूल पाक की अदीस और सीरत को जिस तरह जमा किया गया है तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और यकीन की हद तक हम ये कह सकते हैं कि आ उनके कुरान और उनके नबी की हदीस पूरे तौर पर महफूज है उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो फिर इस्लाम की असल सूरत या इस्लाम की कामिलियत और शमोलीत यकी इस्लाम कामिल और शामिल दीन है किसी भी दीन को अगर हम अपना नमूना बनाना चाहें तो फिर उसके लिए चाहिए कि हमें कामिल और शामिल दीन मिले छोटे से छोटे बड़े से बड़े मामलों में हमारे लिए हिदायतें मौजूद हों हमने इसी मजलिस में या कहीं जिक्र किया था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी बातों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें इल्म दिया और आपने बताया कि किसी नबी के लिए जायज़ नहीं कि जो भी खैर अपनी उम्मत के लिए जानता है उसको बताना छोड़ दे और जो भी सर जानता है उससे डराना छोड़ दे प्यार रसूल ने सब कुछ बताया और आपने पूरे तौर पर इस अमानत को अदा किया यहूदी कहा करते थे तुम्हारे नबी तो तुमको कज़ाए हाजत के आदाब तक भी सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है और इसी को अल्लाह ताला ने इसी का ऐलान फरमाया फरमायाली अकमल तोल दीन कम व आत्मम तो नमती इस्लाम दीना ज़िंदगी के किसी भी मामले में इंसान बीवी के पास आता है तो उसके क्या आदाब हैं बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या आदाब हैं बच्चे की तरबियत के पहले दिन से क्या आदाब हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर अदब को प्यारे रसूल ने हमें बताया और सिखाया इस एतबार से अखलाक और इंसानियत का मजमु दीन इस्लाम वो यकीन इस लायक है कि एक इंसान उसको अपने लिए ज़िंदगी का नमूना बना सके इसी को अल्लाह ताला ने फरमा कदकुमफी रसूल ला ओवत हसना प्यार रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उस हसना है इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दीन इस्लाम की असल सूरत देखें तो फिर उसके लिए आप इस्लाम की किताब और इस्लाम की हदीस से आप उसको ले सकते हैं हिफ्ज का जो तरीक़ा जैसा कि है कुरान का कि आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से प्यारे रसूल के ज़माने ही से उसका हिफ्ज रहा हज़ारों सहाबा ने हिफ्ज किया और मुख्तलिफ सदियों में हज़ारों लाखों हाफज रहे और इस वक्त यक़ी अगर कहा जाए तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफिज़ मौजूद होंगे ख़ुद हमारे सऊदी अरबिया में अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि एक एक घर में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चार बच्चे हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ व तकल्लुफ़ के उन सब ने बारह तेरह साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज कर लिया बच्चियाँ भी अलहमद हाफिज़ हैं दो तीन तो कहने का मतलब है कि अब अगर इमाम एक इमाम किसी महल की मस्जिद में कररात करते हुए गलती कर जाएं तो दसियों बच्चे लुकमा देने के लिए तैयार होते हैं इस तरह अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा उसके बाद अहदीस की हिफाजत भी उसकी बहुत सी मिसालें है। हैं लेकिन मुख्तसर करने के लिए हम इससे तजावज करते हैं और कमाल और शमूलीत के अतबार से भी इन शे दिन पूरे तौर पर अल्लाह ने हमारे सामने एक नियमत की हैसियत से जैसा कि अल्लाह ताली ने इसको नियमत का नाम रखा वो हमारे लिए बहुत बड़ी नमत है लेकिन एक चीज़ ये भी है जो अहम चीज़ है इस्लाम में कि इस्लाम में इससे पहले लोग अपने पोप और पादरियों को इस्लाम का इजादादार समझते थे जिस चीज़ को चाहते हलाल करते जिस चीज़ को चाहते हराम करते यही उनकी इबादत हो गई बैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदीब ने हातिम के सामने इसायत की तिलावत की इतखद अखबार अमोर रबा अम अरबा मंदून इन लोगों ने अपने पोपों और पादरीों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया उन्होंने कहा नहीं हमने उनको रब नहीं बनाया था पैर रसूल के पास आए उनकी गर्दन में सलीब लटकी हुई थी पैर रसूल ने फरमाया फरमायान कहासन इस बुत को तुम निकाल दो और फिर यहलात फरमाई आपने कि इन्होंने अपने वलमा और पादरियों को इन्होंने अल्लाह के अलावा मबूद बना लिया उन्होंने कहा नहीं हम उनको अल्लाह के अलावा मबूद नहीं बनाए थे तो प्यार रसूल ने फरमाया क्या ऐसी बात नहीं थी कि जिस चीज़ को वो हलाल कह दें अगरचे वो हराम हो तो तुम हलाल समझते थे या अगरचे वो हलाल हो हराम कह दें या हराम को हलाल कह दें तो तुम उन्हीं की बात मानते थे कहाँ ये बात तो है तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया किसी शख्स को भी किसी मुसलमान को ये हक नहीं आलिम हो उसको हक नहीं कि अपनी तरफ से कोई बात कहे किसी मुसलमान को हक नहीं कि अपना दीन किसी आदमी के हवाले कर दे अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी तरफ से किसी चीज़ के बारे में ना कहो कि ये हलाल ये हराम है अगर ऐसा कहोगे तो अल्लाह पर झूठ बाँधोगे क्योंकि किसी चीज़ की तहलील और तहरीम सिर्फ अल्लाह रबुल्ज़त ही का हिस्सा है लिफफ्तरू अल्लादब इन कदब इसके अलावा तोहहीद के मसले में इस इस्लाम ने बहुत ही वाज़ तलीमत दी और उसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा दूसरी कौमों को अम्बिया के तमाम अदियान जो भी अल्लाह ताला ने भेजे तमाम शराब ये, ये यकीनन तोहैद बारी पर मुश्तमिल थे क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है वलकदली कविलदीन कबिल क़िल अशरक्तल अहबक ए प्यारे रसूल आपकी तरफ यही वही की जाती है आपसे पहले अंबिया की तरफ भी वही की जाती थी फरदन फरदन हर एक को कहा गया लई न शरकत या नूह लई न शरकत या इब्राहिम इब्राहिम या नूह या मोहम्मद या ईसा हर एक को मुखातब करके कहा अगर आपने शिर किया तो आपके तमाम अमाल बेकार हो जाएंगे इस वजह से तोहद के बाब में अल्लाह ताली की जो सिफत है कुल् अल्लाहद अल्लाह समद अल्लाह अकेले हैं अल्लाह बेनियाज़ हैं सब उनके मोहताज हैं लम यलिद वलमुल किसी को अल्लाह ने अपनी जात से जना नहीं और ना किसी ने उसको जना है वलमुकुफ़ुना है ज़ात और सिफात में कोई उस जैसा नहीं है ये सिफत है अल्लाह ताला की इसीलिए जो चीज़ अल्लाह ताला ने खास कर रखा है अपने लिए इस इंसान के लिए जायज नहीं कि गैरुल्ला के लिए सबित करे और यही शिरक हो जाएगा और शिरक इतना बड़ा गुना है कि अल्लाह ताली ने ऐलान कर दिया है इन फिर कभी व गफ़र मादू नद कलमयशाह अल्लाह तिरक को हरगज़ नहीं माफ़ करेंगे जब तक तोबा करके ना मरे इसके अलावा बगैर तोबा के भी मरेगा तो दूसरे बड़े गुनाह को अल्लाह माफ कर सकते हैं लेकिन शर्क को माफ़ ना करने का अल्लाह तैसला किया है इसी तरह नबी करीम सल्हसम ने तोहद की हिफाजत इस अंदाज से की कि एक कलमा जिसमें शुबा हो अल्लाह के साथ इश्तराक का अल्लाह के अलावा किसी और को करने या उससे मांगने की बात सिर्फ़ इश्तराक का शुबा हो हालांकि कि साहब कराम से ये चीज़ बीत थी उससे भी प्यार रसूल ने मना फरमाया किसी साहब ने कहा अल्लाह के रसूल माशा अल्लाह उशीद अल्लाह जो चाहेंगे और आप जो चाहेंगे और आप तो और का लफ्ज़ इश्तराक का माना देता है प्यार रसूल ने फरमाया जाहल तनी लद्दा मुझे अल्लाह का शर्क बना दिया माशा अल्लाहद जो कुछ चाहेंगे अल्लाह वही होगा और यही है यक़ीन प्यार रसूल ने कितनी चीज़ें चाही आपके चचा ने आपसे कितना दिफा किया आपके साथ किस तरह मोहब्बत करते थे आपके होते हुए आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको सताने की हिम्मत नहीं की लेकिन जिस साल आपका इंतकाल हुआ तो उसको आमुल आमज्र के नाम से मौसूम किया गया क्योंकि लोगों के सताने का मौका मिला आपका जब इंतकाल हो रहा था तो आप उनके सिरहाने बैठ कर के कहते हैं या अम्ला व कलीम तन बिहा इंदल्ला चचा मोहतरम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए ऐसा कलमा है कि जो आप कह देंगे मुझे अल्लाह के यहाँ हजत करने का मौका मिल जाएगा वहाज जल बिहा इंदल्ला अगर नहीं है तो हमें कोई हजत नहीं मुझे ताक़त और सकत नहीं हो सकती है सिफारश की तो अल्लाह की कुदरत दूसरे कुफार खड़े थे बहरहाल उन लोगों ने कहा कि अतर कबोन मिलत आबाइक अपने बाप दादा की मिल्लत को छोड़ करके तुम मोहम्मद का दिन ले लोगे गे नहीं हुई बल अला मिल्ल आबाई कह के कि अपने बाप दादा ही की मिल्त पर मैं मरना चाहता हूँ मरे पैर रसूल को बहुत हसन हुआ बहरहाल तो कहने का मतलब है माशा मन अहब इस गम की तसली के लिए पैर रसूल को अल्लाह ताली ने यह आयत दी आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते हैं तोहद के बाद में इस्लाम का मसला बिल्कुल वाज है अगर दुनिया के अहवाल देखिए जब आप तार रसूल सल्हस आए थे तो इस बाब में दुनिया का क्या हाल था या तो बेदीनी थी या सैकड़ों बुत पूजे जाते थे किसी मफकर इस्लाम ने तारीख़ के हवाले से लिखा है हिंदुस्तान ही के आलिम हैं उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बुत पूजे जाया करते थे पूरी दुनिया जैसा कि अल्लाह तार ने कहा है कि उस वक्त पूरी दुनिया नबी करीम सल्हसम के कि बेसत के वक्त पूरी दुनिया गुमराही में थी जलाल मुबीन में थी तो एक एक शहर का और एक एक मुल्क का उन्होंने तजिया करके बताया कि यकीन इस्लाम से पहले सब लोग गुमराही में थे इसी हिंदुस्तान में किसी जमाने में वेद के जरिए तैतालीस मबूदात का जिक्र था बाद में तैंतालीस करोड़ तक के मबूदों का जिक्र हुआ जैसा कि उन्होंने लिखा है इसी तरह और दूसरे मुल्कों में भी यकीन ख़ुद मक्का जिस घर को अल्लाह ताला त मरक़ तो बनाया उस मरक़ तोहैद में 360 सौ साठ बुत रख के पूजे जाते थे इतनी बात तो वाजह है और फिर अखलाकी तौर पर क्या हाल था पूरी दुनिया का मक्के की हालत कहते हैं उस वक्त सबसे अच्छी थी बाप अपने बच्चे को कत्ल कर दिया करता था क्यों कि इस गरीबी की हालत में हम कहाँ उसको खिलाएंगे ये फिक्र इस वक्त भी इंसानों में पल रहा है यकीनन अल्लाह ने उनको डायरेक्शन दी औलादकुम तख इमलाक यकीन रखो नहन नर व इयाकुम एक आयत में नहन नरज़ुकुकुम व इयाहुम अपने बच्चों को ग़ुरबत और फ़कीरी के डर से कत्ल ना करो हम उनको रोज़ी देते हैं और तुम्हें भी रोज़ी देते हैं लड़कियों को आर के डर से कि जा करके किसी के घर उसकी शादी होगी वो हमारा दमाद बनेगा एक ज़माने में एक हमाकत ये भी आई थी वरना वो कहाँ से पैदा होते इसका दौर दौरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहा यकीन लेकिन आर के डर से उसको कत्ल कर दिया करते थे अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींचा वमऊ दिलत उससे पहले जो नक्शा है वहीदा बश्र अहद हम बिल्सा वह मुस्वन क़ीम या तवारा मिनल्कोम मनसू एमा बशरा भी अमसिका हून अमीद तौराब किसी को खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है लड़की पैदा हुई है तो उसका चेहरा गम से काला हो जाता था और लोगों से मुँह छिपाता फिरता था और सोचता था कि उसको इस तरह छोड़ दे अमेदूफ तुराब या ज़मीन में दफ़न कर दे दफन कर दिया करते थे जैसा कि अल्लाह तरमा वमऊत बनकल जिंदा दफ़न कर देते थे अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जमाना आने वाला है वो दिन आने वाला है क़्यामत का जब इस लड़की से पूछा जाएगा और दफ़न करने वाला सामने होगा अल्लाह ला शरीक के अदल इंसाफ के दफ्तर में सबको खड़ा होना होगा वहाँ पूछा जाएगा कि तुमको किसने किस, किस वजह से कत्ल किया है इसी तरह बुतों के पुरस्क की हालत थी कि कुछ नहीं पाते जैसा कि अबू रजा व तारदी वगैरह बयान करते हैं कहते हैं कि हमारे पास अगर बुत पूजने की कोई चीज़ नहीं होती थी तो जाते ऊँट चराते मिट्टी का या पत्थर नहीं पाते तो रेत का थोड़ा सा हिस्सा इकट्ठा करके उस पर अच्छी से अच्छी बकरी का दूध दोह करके और फिर उसको पूजते आगे निकल गए कहीं पत्थर मिला उसको पूजना शुरू कर दिया फिर उससे अच्छा पत्थर मिल जाता उसको फेंक करके उस पत्थर को पूजने लगते यकीन अक़िल इंसानी का जिसको अल्लाह ताला ने इतनी तक्रीम की है जिसकी इस अक्ल की बिना पर दिवालिया निकल चुका था इसी तरह फ़ारस और रोम और दूसरी जगहों पर भी अखलाक़ी बदहाली थी यहाँ तक कि फारस के बारे में आता है ईरान के बारे में कि वहाँ के बादशाह ने एक ने अपनी बहन के साथ शादी कर रखी थी दूसरे ने अपनी बेटी के साथ शादी की कुछ दिन तक रखा उसको कत्ल कर दिया इस तरह के हालात थे यकीन जिसको जलाल मुबीन से अल्लाह ने बहुत ही सख्त गुमराहियों में खुली गुमराहियों में लोग पूरे दुनिया में फंसे हुए थे ऐसे में नबी ये करीम सलील वसलम की बेहसत हुई अमन की जो हालत थी कि आदमी अपने घर में चैन से नींद नहीं ले सकता था अरबों की यह हालत थी ख़ास तौर पर कबीले एक दूसरे पर शब खून मारते क्योंकि खाने पीने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो फ़लाँ के ऊपर छापा मार करके उनकी बकरियाँ ले लेते उनकी औरतों को उनके बच्चों को उठा ले जाते ग़ुलाम बनाते बेचते जो कुछ होता है इस तरह तजारतें होती थी सुबहानल्ला अमन बिल्कुल मफकूत था बुारि शरीफ़ की रिवायत है नबी करीम सल्ला वसम के ज़माने में हज़रत अदीबन हातिम ही से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल के दरबार में मैं बैठा हुआ था एक आदमी आया उसने बदअमनी की शिकायत की और कहा अल्लाह के रसूल लोग लूट खसूट कर रहे हैं उनसे पूछा प्यारा रसूल ने अदीब ने हातिम तुमने हीरा देखा हीरा शाम का एक शहर है जिसको सूर्या वगैरह कहते हैं लेकिन शाम जो पुरानी ताबीर थी शाम की उर्दन सूर्या लुबरान सब उस पर उसमें दाखिल होता था अब उसमें सियासी पार्टीशन जो किया गया है ख़ासतौर पर मुसलमानों को तोड़ने के लिए जो कुछ हुआ हुआ बहरहाल अय अदीब ने हातिम तुमने हीरा शहर देखा है उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में सुन रखा है प्यार रसूल ने फरमाया बिकल हयात अगर तुम्हारी ज़िंदगी लंबी होगी तो तुम ज़रूर देखोगे एक ज़माना वो आएगा कि हीरा शहर से अकेली एक औरत अपने ऊँट पर सवार होकर के और काबा तवाफ़ करने आएगी अमन की यह हालत होगी कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेगी हज़रतदीब ने हातिम कहते हैं मेरे जहन में ये बात समाई ही नहीं कैसे हो सकता है फ़ाइन यद हैबार व बनी तई अल्लदीन सारिलाद बुखारी शरीफ की रवायत है कि उस ज़माने में बनी तय के डाकू कहाँ चले जाएंगे जिन्होंने मुल्क में आग लगा रखा है फसाद का सुबह अल्लाह तो फिर उसके बाद कहते हैं वो ज़माना आया यकीनन मेरी उम्र लंबी हुई वो ज़माना आया कि मैंने देखा एक औरत अकेली लको दक मैदान से गुजरते हुए ऊँटनी पर सवार होकर के अल्लाह के घर का सफ़र कर रही है तो ये हालत हुई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी वो तालीम थी जिसके ज़रिए से इस अखड़ कौम को अल्लाह तारा ने हिदायत दी और फिर शेर व ऐसे हुए रात दिन के लड़ने वाले एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देने लगे ये बात तो सही रिवायतों से आपने सुनी होगी प्यारे रसूल ने जब लोगों को महाजरीन और अंसार को मदीने में भाई बनाया तो ऐसे वाक़ात भी हैं तारीख़ ने कभी नहीं देखे होंगे इस तारीख़ ने इस आसमान और ज़मीन ने कि बाद सहाबा ने कहा हज़रतरहन बिन आओफ के जो भाई थे उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ माल दिया है आधा बाँट करके आप ले लीजिए और फिर मेरे पास दो बीवियां हैं देखिए दुनिया में इस तरह का ईसार यकीन कहीं नहीं देखा गया कहते मेरे पास दो बीवियां हैं एक बीवी को हम तलाक़ दे देते हैं इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे शादी कर लीजिए क्योंकि घर बार छोड़ करके हज़रतब्दरहन में नाओफ़ और दूसरे महाजरीन अपने घर बार को औलाद को छोड़ करके यहाँ तक कि लोगों ने अपनी बेटियाँ कहा हमारी बेटी तुम जा सकते हो उसको नहीं जाने देंगे छीन लिया तो उन्होंने कहा बारक अल्लाह अहल का व मालिक अल्लाह ताली तुम्हारी बीवी बच्चों में और तुम्हारे माल में बरकत दे वकिन आला सूख मुझे सूख बाज़ार का रास्ता बता दीजिए अल्लाह ताली का करना हुआ गए बाजार में कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बरकत दी और जा कर के वो पैसे लेके आए शादी की अचानक पर रसूल के सामने आए उनके कपड़ों पर या उनके कपड़ों में ज़ाफरान का असर लगा हुआ था बीवी के ज़रिए से रद्ग ज़रान जैसा कि हदीस शरीफ़ में है प्यार रसूल ने फरमाया महम क्या मामला है खुश होकर के प्यार रसूल ने फरमाया कहते हैं या रसूल अल्लाह तज्वश कहते हैं कि उमास दख्त रहूँ क्या आपने महर दी है हजरत अब्दुलरहमिन कहते हैं कि वज़न नवात मिन मिनब खजूर की गुठली के बराबर ए सोना तो कहने का मतलब है कि इस तरह के ईसार का मंज़र दुनिया ने नहीं देखा था वही कौम जो एक दूसरे से लड़ती एक दूसरे के माल को छीन करके खा करके और फख्र करती थी तो वो अब अपने माल को यहाँ तक कि अपने अहल आयाल को भी बीवी को भी देने के लिए वो तैयार हो गए वो कौन सी तालीमत थी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की यही तालीम वही कौम जो बुतों को पूजती थी यहाँ तक की बुतों का मिट्टी का ढेर बना करके पूजती थी वही वहदुल्ला शरीक को पूजने लगी जहाँ सुबह होता उसको ऐसे अल्फ़ भी बोलने का हकदार नहीं समझते अपने को कि उसमें इश्तराक का अल्लाह के साथ याशर्क का सुबह हो इजमाही और सोसाइटी के मामले से मतलब इस तल्लक़ से इस्लाम में वाज तौर पर तालीमत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें दी और अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत के मातहत जो भी मुसलमान रहते हैं या गैर मुस्लिम रहते हैं सब के हकूक़ को अल्लाह ताला ने वाज तौर पर बयान किया उन उनूक़ की अदायगी पर अदा करने वालों को अजर षवाब का वादा और उसको ना करने पर अजाब और अल्लाह की जहनम की वईद और धमकी दी है नबी करीम सल्ला वसलम के रहमतमीन का मधर इस्लाम की एक एक तालीमात हैं इसमें कोई शक नहीं फ़रमान बारी तला हैतुल आयाति वहीताबुल वन कानूम कबलफ़ी वाल इस्लाम ने एक मुसलमान के कत्ल का बहुत बड़ा गुनाह इस्लाम ने करार दिया है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक नफ्स को कत्ल किया उसने तमाम आलम को तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाख मुस्लिम इल्ला बिहदा बदलास तीन हालात के अलावा किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है या तो वो दीन से निकल गया हो किसी को कत्ल किया हो या शादी के बाद वो ज़ना कर गया हो अल्ला अकबर इस जना ही की हैसियत से अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर कितनी सख्ती रखी है क्योंकि फिर आगे चल करके इस्लाम में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर दुनिया में अमन क़ायम नहीं हो सकता है तो फिर इंसाफ की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सख्ती से इस पर मुहासबा किया और जना करने वाले पर अगर शादीशुदा नहीं है तो सौ कोड़े और फिर एक साल को उस इलाके से शहर बदर कर देना है हदीस शरीफ में नबी करीम ने फरमाया है रजम रजमोआ नफ़ी सना अगर कोई शादी शुदा मर्द औरत और जिना कर रहे हैं तो उनको रजम किया जाएगा और एक साल के लिए वो वहाँ से उस इलाक़े से दोनों को अलग कर दिया जाए क्योंकि ये भी बहुत बड़ी हमत है कि वहाँ रहेंगे तो फिर वही सिलसिला शुरू हो सकता है इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बिक्र बिल बिलबिक्र जल दुमिया तन व तगरीब आम सौ कोड़े लगा करके एक साल के लिए उनको दूर कर दिया जाएगा नफ्स इंसानी के कत्ल के बाद ज़िना का जो मरह है ज़ना के साथ आम तौर पर नसब नामे की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इंतज़ाम किया आम दिनों में रहबानियत को बहुत फजीलत दी जाती है कत दुनिया की बहुत फजीलत दी जाती है कत ताल्लक़ दुनिया से शादी ब्याह से अल्लाह ताल ने हुक्म दिया शादी का प्यार ने ताकीदी रसूल ने ताकि दी हुम दिया यामा शरत शबाब अबिल्लाबिनक रसोल्ला सल वसलम यामा शर शबाब मनस्ता अमिन कुमुलबाअली तज्ज जवानों की जमात जिसको अल्लाह ताक़त दे शादी ब्याह की माल के अतबार से जिसम के अतबार से फलीय तज्वज शादी कर लिए आर्डर है प्यार रसूल का आर्डर वाजिब है अगर उससे कोई चीज़ फेरने वाली ना हो फली तज्वज फ़ैन न हो अब्दुलबसर वह अहसनफर्ज ये शादी नज़र को नीचे रखने वाली है मुसलमानों को नज़र को नीचे रखने का हुक्म दिया गया है वह अहसनुलफ़र्ज और शर्मगा की हिफाजत की मददगार है और अल्लाह ताला ने शरम की हिफाजत की ताक़ीद फरमाई है वो मल नमियस्तें जो सख्त शादी की ताकत ना रखे तो इस शादी की ताकत को इंजेक्शन दवा और किसी ज़रिए से ख़त्म ना करे क्योंकि इस्लाम चाहता है कि जब भी मौका मिले बुढ़ापे में हदरत अब्दुल्ल अबिन मसूद कहते हैं कि अगर मुझे मालूम हो कि एक दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और मुझे मौका मिले तो मैं शादी कर लूँगा ये ताकीद है इस्लाम की शादी की इस वजह से बर वक्त क्या करे कोई ऐसा इलाज ना करे जिससे शादी की ताकत को ख़त्म कर ले इलाज इंजेक्शन और क्या। नहीं क्या करे उसको ऐसे हालत में रखे कि वो कमज़ोर कुछ रहे ठहर जाए सुकून हो जाए फ़ाला ही बस्त फ़ाली ही बस्सों रोज़े रखे फाइन न हो लूए जाऊन उसको खसी कर देगा रोज़ा सिर्फ भूखे रहने से नहीं होगा बल्कि रोज़े के आदाब के साथ जिसने रोज़ा रखा ला फ़ गुलायस कोई ऐसी बात ना कहे जिससे गलत बात हो उसको सोचे ना तो इस तरह का रोज़ा इन उसको और इस्लाम ने फिर शादी के मामलत को भी बहुत कुछ आसान किया है अल्लाह ताली ने प्यार रसूल से तलब किया एक औरत आई प्यार रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे शादी कर लीजिए प्यार रसूल ने उनको नहीं चाह वो खड़ी रहीं साहबी उठे उनके पीठ पर बस्तर नहीं था सिर्फ़ ताबंद पहने थे कहा अल्लाह के रसूल मेरी शादी कर दीजिए प्यार रसूल ने फरमाया क्या है तुम्हारा कुछ नहीं पाए एक लोहे की अंगूठी तक नहीं पाए प्यार रसूल ने फरमाया हल मा के शमिन कुरान तुम्हें कुछ कुरान याद है कहा हाँ फला फला सूरत और फला, फला फला आयत याद है कहा जाओ उसको याद करा दो यही तुम्हारे लिए महर है तो गोया इस्लाम ने शादी की बहुत ही अहमियत दी है शादी के बाद प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इंसान को कमाने में मशगूलियत होती है तो वो कमाई अल्लाह के राह में जहाद के माने में है सही हदीस में पैरा रसूल एक बार गुजरे कहीं जा रहे थे साहबा के साथ तो एक आदमी को देखा बहुत मेहनत करके ज़मीन खोद रहे थे साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसुल् कान हादी सभी अगर इस तरह की मेहनत अल्लाह के रास्ते में जिहाद में हो जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाए प्यार रसूल ने फरमाया अगर वो इन खानी हो अगर शादी नहीं की है कमा करके शादी करने की से कमा रहे हैं फोफी सभी इनकान यद माँ बवई अगर माँ बाप के खिलाने के लिए रोज़ी कमा रहे हैं तो अल्लाह के रास्ते में हैं इस तरह शादी करके अल्लाह ताला ने तय इस रास्ते को जना और अख्तिलात नसब को इंसानों की नसब नामे को अलग अलग कर इस्लाम ने पाकबाजी की दावत दी और कोई भी सबब जो ज़िना का सबब बने यहाँ तक कि इस नज़र को भी गलत नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वह बरीद है डाकिया है जना का इसी तरह और दूसरे मामला को अगर देखा जाए तो इस्लाम एक कामिल तोद में अखलाकियात में इज्तमायात में आम इजमायात में अल्लाह ताला ने तकूक़ का जो सिलसिला एक दूसरे के साथ रखा है उसकी भी बड़ी ताक़द फरमाई अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा हक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसान के ऊपर उसके बाद वालिदैन का हक़ उसके बाद उसके अकारब का, का हक उसके बाद पड़ोसी का जो हक़ है इन सब हकूक़ के एतबार से देखा जाए तो हर एक को अल्लाह ताला ने हक दिया और किसी को जायज़ नहीं किया कि वो शख्स बगैर किसी सबब के किसी को सताए अमन आलम अगर कायम हो सकता है तो यकीन इस्लाम की तलीमत पर अमल करके और इस्लाम की तालीमत उसी वक्त उन पर अमल होगा जब ताकत इस्तेमाल करके उसको नाफि किया जाए यकीन तो जो भी चाहें अगर वह सिर्फ़ इस्लाम के नज़ाम अमन ही को लेना चाहें अगर वो पूरे तौर पर इस्लाम और मुसलमान नहीं होना चाहते हैं तो दुनिया में अमन क़ायम हो सकता है इस इस्लाम के इनद और तजीर की इस कदर बरकत है इस्लाम में किसी यहाँ तक कि एक जानवर को भी बगैर किसी सबब के आप जबा नहीं कर सकते प्यारा रसूल ने मना फरमाया है जिस जानवर को आप खा नहीं सकते उसको जबा करने से प्यार रसूल ने मना फरमाया है इसी तरह अगर जानवर कुत्ता तक है उसको आपको खाना नहीं है अगर वो मर रहा है प्यासा उसको आपने पानी पिलाया तो उस पर बहुत बड़ा अजर रखा है एक बहुत ही गुनाहगार आदमी था प्यारे रसूल सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि जा रहा था उसने कुएँ से पानी खींच करके पिया तो देखा कि आ करके एक कुत्ता मिट्टी चाट रहा है कुएँ के किनारे की प्यास से यहास मिट्टी चाट रहा है उसके दिल में रहम दिली आई और उसने कहा कि मुझे भी ऐसी प्यास लगी थी जिस तरह इस कुत्ते को प्यास लगी है कोई चीज़ नहीं थी जिसके ज़रिए से पानी वो खुद उतर करके पानी में या किसी तरह उसने पानी पिया था फिर वो उतरा और कोई चीज़ नहीं थी जिसमें वो भर करके पानी में को ले का जूता था जूता को पानी में भरा और अपने दांत से पकड़ करके और कुएँ से निकल करके उसने ये तसूर जहन में रखें कुत्ते को पिलाया अल्लाह ताली को ये अमल पसंद आ गया और उसको बख्श दिया इसी तरह एक फाहिशा औरत का जिक्र रसूल ने फरमाया कि उसने भी कुत्ते के साथ रहम किया पानी पिलाया ताला ने उसको बख्श दिया इसके बरक्स एक बिल्ली को एक औरत ने सताया मुसलमान थी सलात और सोम की पाबंद लेकिन सिर्फ एक बिल्ली को सताने की बिना पर वो जहन्नम में गई पैर रसूल ने फरमाया कि बिल्ली ने कुछ नुकसान कर दिया उसने नाराज़ होकर के उसको बांध दिया फ़ला ही अतामत था उसने उसको खिलाए नहीं बांधे रखा वला ही यह तरक्त था ताकुल में खशाशिल उसने छोड़ा भी नहीं कि की कीड़े मकोड़े खा करके अपना पेट भर ले इस हालत में मर गई अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में दाखिल किया दखलत इमरतन फ़िनार तो कहने का मतलब है कि इस्लाम में किसी शख्स के सताने की इजाज़त किसी हालत में नहीं है यहाँ तक कि आपने सुना होगा गैर मुस्लिम को किसी माने में सताने का हक़ नहीं है अगर कोई गैर मुस्लिम है आपसे जंग नहीं करता शर्त यह है कि आपको सताता नहीं है तो आपको उससे पहल करके उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का हक है ला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे जो तुमसे जंग नहीं करते हैं अल्लाह तुन उनसे मेल मिलाप रखने से रोकते नहीं हैं इन नमायन हकमल जो लोग तुमसे जंग कर रहे हैं तो तुम चुपके से उनसे दोस्ती बजाओ ये चीज़ अल्लाह ताला ने इससे मना फ़रमाई है इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक मुसलमान के खून की ताकीद फरमाई है आपने अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम पाक में जिक्र किया है वो मकान अलमिन ख़तान जान बूझ करके गलती से नहीं किसी मुसलमान को जान बूझ करके कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा जहन्नम है हमेशा उसमें रहेगा हज़रत अब्दुल्ल इब्न अब्बास कहा करते थे कि सज़ा उसकी यह है कि कभी उसकी तोबा भी माफ ना होगी और कहा करते थे कि हराम खून का बहाना ऐसा तंग रास्ता है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ैर मुस्लिम को सताने से भी अपने मुबारक अल्फाज में फ़रमाया है सही बुखारी वग़ैरह की रिवायत है हज़रतल इबिन फरमाते हैं मन कतल जन् किसी काफ़िर को किसी ग़ैर मुस्लिम को अमन दे दिया वादा दे दिया कि तुम्हें सताएंगे नहीं वो किसी ने कत्ल कर दिया तो कातिल जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा और उस जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से मिलती रहती है इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है मन कतला रजुल ज़िम्मा का माना यह है कि इस्लाम ने उन्होंने इस्लाम से छेड़छाड़ किया मुसलमानों से छेड़छाड़ किया जंग हुई उसमें वो लोग पकड़े गए अब उनके ऊपर हक़ है कि या तो मुसलमान उनको कत्ल कर दें जैसा कि पुराने ज़माने का क़ायदा था लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक चूँकि रहमत आलमीन थे नया निज़ाम दिया नया कानून कि आप उनको सिर्फ इशारिए के तौर पर कि वो हमारे अंडर में हैं साल में एक आदमी से एक दीनार ले लीजिए सोचिए एक मुसलमान अगर कमाता है तो साल में दस हज़ार ज़क़़त देने उसके ऊपर वाजिब है लेकिन एक अहल जिम्मा गैर मुस्लिम हमारे अमन में रहता है सिर्फ़ साल में मिनकुल्ल हाल मिन दीनार वो भी छोटे बच्चों से नहीं लिया जाएगा बालिग मर्द से औरत से भी नहीं लिया जाएगा सिर्फ़ एक दीनार लिया जाएगा ये अल्लाह ताला की एक रहमत है इस्लाम पैसा बटोरने के लिए नहीं आया है इस्लाम चाहता है कि हमारे दरमियान रह करके हमारे इस्लाम को देखें लोगों के अखलाक को देख करके मुसलमान हो जाएं इसी वजह से जिम्मा चंद ही दिनों में मुसलमान हो जाया करते थे जब देखते थे कि इस्लाम के अखलाक हंसना हैं अब इस्लाम अगर किसी को मुसलमान का अदना आदमी किसी को जमानत दे दी है उसने अमन की तो फिर उसको कत्ल किया लफ रजुल अहिल जिदरी हल जन्नति जैसा कि रिवायत में है अमर बिन सलीम बयान करते हैं और अमर बिन सलेम कहते हैं कि रूमियों और मुसलमानों के दरमियान हज़रत माविया रज़ील्ला ज़माने में माहदा था माहदे का वक्त ख़त्म हो गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जो चाहेंगे करेंगे उन्होंने सोचा कि हम अपनी फ़ौज को माहदे के ख़त्म होने से कुछ पहले उनके बाडर पर उनके सरहद पर ले जा कर के देखिए इस्लाम की कितनी मुबारक तालीम अमन की ले जा कर के सरहद पर अपनी फ़ौज जमा दें जो ही माहदा ख़त्म हो फ़ौर उनके ऊपर हम हमला कर देंगे हजरत अमर बिन अब्सा सोलमी रज़ी सहाबी को जब मालूम हुआ तो आए और उन्होंने कहा कि देखिए आपको यह हक नहीं है आप इस तरह हमला करने का आपको यह हक़ नहीं है प्यार रसूल से हमने सुना है कि जिस किसी के साथ माहा हो तो उस वक्त तक फौज की तैयारी भी ना करें जब तक माहा ख़त्म ना हो जाए और फिर उनको माह ख़त्म होने की याद दहानी भी करा दे कि भाई तुम्हारा माहा ख़त्म हो रहा है बहरहाल इस्लाम में अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो फिर उस कत्ल के बदले उसको किसास की जो फजीलत वक़सा हयात या अल्बाब ज़िंदगी है तुम्हारे लिए एक कातिल को कत्ल करके कत्ल करके मौत होती है उसकी लेकिन उसकी मौत हज़ारों की ज़िंदगी का बायस होती है लेकिन आज की दुनिया में कत्ल के बदले कातिल को कत्ल नहीं किया जाता है चंद साल जेल में रखा जाता है पूरी दुनिया का कानून है तो कातिल चंद जेल काट करके आता है और मज़ीद लोगों के लिए खौफ हराश का सबब बना रहता है धमकियाँ देता रहता है तो कत्ल का जो इलाज इस्लाम ने किया है यकीनन और कोई इलाज नहीं हो सकता इसी तरह इस्लाम ने इस अक्ल को एक नमत दी है इस अक्ल की हिफाजत के लिए हर उस चीज़ से मना किया है जिससे इस अक्ल में खलल पड़े वक्ती तौर पर या पूरे तौर पर इस इंसान को जिस तरह अपने नफ्स पर मिल्कियत नहीं अगर किसी ने अपने नफ्स को खुद कत्ल कर दिया तो वो गुनहगार होगा इसी तरह अपने, अपने अक्ल के ऊपर उसको इख्तियार नहीं है कोई ऐसी चीज़ पिए इस्लाम ने सबसे पहले शराब को हराम किया अगर किसी ने हराम किया हो तो उनकी कौमों ने उसको बदल करके हलाल कर लिया था लेकिन इस्लाम ने उस पर अमल किया जब आयत नाजिल होती है इनमल शैतान फ़जत खमर ये शराब खमर इनमय और अजलाम ये तीरों के जरिए से किस्मत पहचानने की कोशिश करना ये नापाक चीजें हैं शैतान के काम में से फजत नबू मजकूरात से बचो मुसलमान साहब कराम सालों और जिनके कहते हैं घुटियों में पड़ी हुई शराब फ़ौर छोड़ दी उन्होंने और फिर मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहने लगी जैसे बारिश हुई हो और फिर इस अक्ल की हिफाजत के लिए अगर शराब किसी ने पी तो उस पर हदूद तो कहने का मतलब है कि इस्लाम एक दीन फितरत है इस दीन फितरत को अल्लाह ताला ने उसी रब ने लोगों के ऊपर लागू किया जिस रब ने इस इंसान को पैदा किया और वही जानता है अलमन खल कब लतीफ़ालक़बीर वही ज़ात जानता है कि इस इंसानियत के लिए क्या चीज़ मुनासिब है इस वजह से हमारे प्यारे रसूल के आखिरी दीन को अल्लाह ताला ने भेजा और कामिल शामिल दीन मना करके भेजा इसको महफूज रखा उसके तमाम पहलुओं को तोहीद एक सर को अल्लाह के एक अल्लाह के अलावा कहीं झुकने नहीं दिया और हज़ारों के सामने झुकना ये इस अक्ल की तोहन है इस्लाम ने उससे मना किया फिर उसके बाद अमन दिया पूरी इंसानियत को चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो अगर दुनिया चाहती है इस जलती हुई अमन की प्यासी दुनिया को अगर अमन चाहिए तो सिर्फ सियासत ही में इस्लाम के वो निज़ाम कम से कम कबूल कर लें जिससे अमन हो सकता है तज़ीर और हदूद अल्लाह ताला हम सबको अपने खालिस दिन हम ये ताकीद करेंगे आप खालिस् का नाम ढूँढें अपने खालिस दिन को तलाश करने और उस पर अमल करने पहचानने की तोफ़ी दें अल्लाह ताला क्यामत के दिन हमसे पूछेगा कि तुम्हारे अधीन कौन था तुम्हारे नबी कौन थे और तुम्हारा रब कौन था इन सवाल के जवाब हम तैयार कर लें व आखिर दावानदिल् रबिन जजाकमल हसन जजा आपने नहायत ही मुखलसाना अंदाज़ में एक आलमाना ख़िताब सुना मौसुफ़ के बारे में आपके इल्म में बात रहनी चाहिए कि आप 1419 हिजरी से हरम शरीफ में इफ्ता के अहदे पर फायज़ यानी हरम शरीफ के मुफ्ती की हैसियत से आप काम कर रहे हैं इस लिहाज से इस मौके को गनीमत समझें और आपके सामने अपने सवालात पेश करें मौलाना मोहतरम मैं आपकी ख़िदमत में सवाल पढ़ना चाहता हूँ ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ हो सकें जनाब यासीन खां साहब जो बीकॉम के तालबिल हैं वो लिखते हैं कादियानी कुरान से साबित करते हैं कि ईसा को मौत वाक़ हो गई और जो आमद की बात हदीसों में है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं इसका मुदल जवाब कैसे दें अव्वल तो मिर्जा ग़ल अहमद कादियानी की तल्वन मिजाजी की उस शख्स ने पहले मुजदीत का दावा किया फिर उस मस्किन ने मसीह मौद होने का दावा किया फिर आखिर में नबूत का दावा उसने किया और इसी दावे पर अल्लामा अमृरसरी मौलाना सनाअल्ला से मुबाहला हुआ और उस मुबाहले में उसकी कसम के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मौलाना अमृरसरी के ज़माने की, की हयात में उसको हलाक किया पाएखाने में सर पड़ा हुआ उसका मिला बहरहाल तो अगर उसको आप मुजद कहते हैं तो ना नजदद भी नहीं था जो शुरूत मिलते हैं वक्त हो तो हम उसकी तफसील बयान कर सकते हैं और अगर आप उसको मसीह मौद कहें तो वो झूठा है क्योंकि हम उस कुरान को उस रब को नहीं झुठला सकते जो हमारे एक एक सांस का मालिक है हम मुसलमानों का अकीदा है यहूदियों ने दावा किया था कि हमने हजरत इीसीम को कत्ल कर दिया ये भी एक बहुत बड़ा सानह है हज़ारों साल का अकीदा जो ईसाई ले करके अपने सीने से जी रहे थे और यहूदियों और ईसाइयों में जंग उस पर होती थी सियासत ने जब मजबूर किया तो फातिकान के पोप ने आज से तीस साल पैंतीस साल पहले इंटरनेट देखिए उससे पहले के अखबार देखे हम लोग पढ़ रहे थे तो उन सब ने इकट्ठा होकर के कहा नहीं यहूदियों ने नहीं कत्ल किया था किसी और ने कत्ल किया हमारा अकीदा है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते उमा कतलू लेकिन सलबूल शब्म फिर उसके बाद हज़रत मसीह के बारे में अकीदा है बल बलरफ़ा अल्लाह ने उसको उठा लिया है और वो आसमान पर हैं चौथे आसमान पर और फिर हमारा अकीदा है अहदीस रसूल सल्ह वसम की रोशनी में कि वो क़्यामत करीब उतरेंगे और नबी करीम सल्ह वसलम की शरीत से फ़ैसला देंगे और अगर आप इस मौजू को पढ़ना चाहते हैं तो अरबी में बहुत सी किताबें हैं इस बारे में अहदादी जो जमा की गई हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें वरना किसी आलिम के साथ बैठें मोहतरम एक सवाल है जैद अहमद जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं क्या मुख्तलिफ अम्बिया मुख्तलिफ अदियान लेकर आए या फिर सारे अम्बिया इस्लाम ही दीन पेश किया करते थे तो फिर यहूदियत और ईसाइत किसका बनाया हुआ दीन है एक चीज़ हमें दिक्कत से यानी बारीकी से इस्तेमाल करना चाहिए दीन के नाम से जैसा कि अल्लाह तरमाए दी इन्लाम अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन इस्लाम ही है वही इस्लाम हजरत नज़रत इब्राहिम हज़रत लु हज़रत मूसा सबका था शरीयतें मुख्तलिफ रहीं ये हम अरबी में इस तरह पूरे तौर पर तफरीक करके इस्तेमाल करते हैं सबकी शरीयतें किसी की शरीयत में कुछ हलाल रही चीज़ें और किसी के शरीयत में कुछ हलाल हुई हराम हुई इस तरह इख्तिलाफ रहा लेकिन तोहद जो और इतबा रसूल मैंने एक बात शायद वो आप टेलीविज़न में सुने बाद में कि तोहैद और इतबा नबी हर उम्मत के ऊपर वाजिब था उस उम्मत के नबी पर वाजिब था कि उस नबी की तबाह करें चाहे वही किताब हो या वही हदीस हो जैसा कि हदीस के बाद में मैंने यही जिक्र किया था हजियत हदीस और इनकार हदीस के मौजू पर तो गोया शरीतें मुख्तलिफ रहींरतम जो दीन ले करके आए थे मुबशरम ब अहमद और आपने कहा कि हम मुसदाबिनत तौरद हमारे सामने जो तारात है उसकी तस्दीक करता हूँ वह मुब्शरम बे रसूलियाँ अहमद खुशखबरी देने के लिए कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शरीयतें मुख्तलिफ थी दीन तमाम अम्बिया का एक रहा जिसमें तोहीद में इतलाफ़ नहीं अल्लाह एक है अल्लाह की सिफात जो सब एक हैं और इसी तरह इत्तबाए नबी में कोई इख्तलाफ़ नहीं रहा यानी जिस तरह उन लूत की कौम पर इब्राहिम के कौम पर याक़ूब इसहाक़ की कौम पर वाजिब था कि उनके नबी की इतबा करें इसी तरह हमारे नबी की इतवा हमारे ऊपर वाजिब है शरीतों में अखिलाफ़ हुआ जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है लकुम अलैकुम ताकि तुम मैं तुम्हारे लिए उन चीज़ों को हलाल करूँ जो तुम्हारे ऊपर पहले से हराम थी तो शरीयतें यानी तफासील दीन में कुछ अख्तिलाफ़ रहा तौहीद और इत्तबा में कोई इख्लाफ़ नहीं रहा इसी को दीन इस्लाम कहा जाता है शुक्रिया जजाक असलम शेख साहब सवाल करते हैं कि आज दुनिया एड्स या एच जैसी बीमारियों में मुबला है इस्लाम में इसका हल क्या है हाँ एड्स की हकीकत यह है दुनिया जानती है हमारे डॉक्टर लोग जानते हैं कि एड्स की बीमारी की असल जड़ क्या है वही इस्लाम ने जो गलतकारी से मना किया है लिवात हो या जिना हो वही असल सबब उसका है सुबहानल्ला जिसको जानते हुए ये अपने कौम के गद्दार अपने बाल बच्चों का हमने इस पर रिसर्च किया है आप बड़े बड़े लोगों को फ्रांस के हों जर्मनी हो अमेरिका हो उन सब को देखिए गुजशत साल में वहीं था बरतानिया में जो कानून पास हुआ लॉर्ड नज़ीर अहमद कश्मीर के असल हैं उन्होंने भी उसका इख्ता किया लेकिन मजबूर होकर के दस्खत की उन्होंने क़ानून पास कर दिया कि हर एक को जायज़ है जिन्सी और मिसली निकाह औरत औरत से शादी कर ले बाकायदा शादी और मर्द मर्द से शादी करे और गुजतर साल एक शादी के बारे में बहुत कुछ रिजवट्राइज उन्होंने कहा सबसे बड़ा सबब जो है एड्स की बीमारी का ये यही लवात और यानी जना है यकीन अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना किया उसके इरतकब से आदमी को किसी हालत में अमन और राहत नहीं मिल सकता ये उसका इकतसार है अगर इस्लाम के कानून पर अमल करके खानदान बंदी और खानदान की हिरासत हो जाए तो इनशाला इस बीमारी का खात्मा हो सकता है वरना उस बीमारी का मरज बढ़ता ही जाएगा जज़मल महीद्दीन साहब जो बीए ए के तालबिल में वो पूछते हैं कि अगर नबी वसल्लम ने सारी बातों में हमारी रहनुमाई की है तो ग़ुलामी के बारे में क्या रहनुमाई की है नबी करीम सल वसलम ने गुलामी के बारे में क्या रहनमाई फरमाई इससे पहले तमाम अम्बिया की शरीयत में अब मैं शरीयत दिन नहीं कहूँ तमाम अम्बिया की शरीयत में ये था कि जो जंग जो कौम है हमारे मुकाबिल की हमारे दुश्मन कौम अगर हम उस पर गालिब हों तो एक आम कानून चला आ रहा था कि मर्दों को ग़ुलाम बनाया जाए औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाया जाए औरतों को लौडी बनाई जाए ये आम कानून था लेकिन इस्लाम ने तीसरी शक्ल भी निकाली उससे पहले नहीं था वो और प्यार रसूल ने ख़ुद मशवरा ले करके जब जंग के बदर में पहली जंग हुई मुसलमानों की कैदी आए तो प्यार रसूल ने मशवरा किया और जो कानून था ये भी कि जो लड़ने वाले हैं जिनसे ख़तरा उनको कत्ल कर दिया जाए अल्लाह के रसूल रहमत लालमिन बनकर आए थे साहब कराम से मशवरा किया क्या किया जाए तो साहब कराम ने कुछ लोगों ने कहा हज़रत अबूबकर जो राम करम के पुतले थे जैसा कि नबी करीमल्लम तो ने फरमाया तो उन्होंने कहा ला के रसूल भाई बंदी हैं फिदिया ले करके पैसे ले करके छोड़ दिए जाएँ और हजरत उमर ने कहा नहीं एक को ख़त्म कर दिया जाए कुछ और राय हुई पैर रसूल ने फिदिया लेकर के छोड़ने को तरजीह दी और लिया इस पर जो पहले कानून था गोया और पहली जंग थी यकीन उनको छोड़ करके गोया अपने खिलाफ फिर उनको उभारने का मौका दिया ये भी एक चीज़ थी लेकिन रहमत आलमीनी पैर रसूल की कि जब फरिश्ते ने भी पेशकश की कि आप इजाज़त दें तो दो पहाड़ों के दरमियान उनको पीस दिया जाए आपने कहा कि शायद ये लोग मुसलमान हो जाए आपने फिदिया लेके छोड़ दिया खुद अल्लाह ने कहा तबीन असरा हत्या वहरा ऐसा होना नहीं चाहता किसी नबी के लिए आपसे पहले किसी नबी के लिए जायज़ नहीं था कि उनके कैदी हों तो उनको इस तरह छोड़ दें तुम दुनिया चाहते हो दुनिया का पैसा लेकर के तुमने छोड़ा है नहीं उसको कत्ल कर देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए क्योंकि ये हर हालत में आपके दुश्मन बने रहेंगे नतीजा वही हुआ कि जा करके फिर उन्होंने जंग की तैयारियां की फिर अल्लाह ताला ने उसी को मशरू कर दिया इसके अलावा इस्लाम में अगर आदमी कत्ल कर देता है किसी आदमी को तो गलती से तो एक गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि रमजान के रोजे में अगर उसने गलती कर दी जमा कर लिया तो एक गुलाम के आज़ाद करने का उसको कफारा अगर उसकी ताकत नहीं तो फिर खाना खिलाने का जो कुछ हो उसके बाद और दूसरे मौके पर भी प्यारा रसूल ने बहुत सी अहादीस में तक रकबत आ तक रकबत हो मिनन्नार जो शख्स किसी गर्दन को आज़ाद करेगा उसकी अल्लाह गर्दन जहन्नम से आज़ाद कर देगा तो गोया इस्लाम ने बहुत कुछ ताकिद की है गुलाम के आज़ाद करने के लेकिन ये भी एक चीज़ है कि इस्लाम में गुलाम गुलाम नहीं रहा करता था रसूल ने फरमाया है कि अखवान खबल ये तुम्हारे भाई तुम्हारी ही तरह हैं जाल्त तुम्हारे हाथ के नीचे दस्त निगर बनाया है तो जो खाओ वो खिलाओ जो पहनो पहनाओ अगर कोई बड़ा भारी काम उनको दे तो ला तो कल्लिफो में खून जो भारी काम हो जिसकी ताकत ना रखें तो उनको उसके करने का मुकल्लफ ना करो फ़ैन कल लफ्तम हम अगर भारी काम है तो खुद उनके साथ मदद करो देखिए पहले के ज़माने के लोग मालिक जो होता था गुलाम का उसके साथ खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं करता था इतनी भी बेहरमती इस गुलाम की होती थी हज़रत अबू ज़र्रजील तनों जिस तरह खुद कपड़ा पहनते थे अपने गुलाम को पहनाते थे इसी तरह हज़रत बिलाल को आज़ाद किया तो सैदना का बहरहाल इस्लाम ने जो तालीम दी आज़ाद करने का एक बहाना किसी न किसी तरह मामूली से मामूली चीज़ पर और बार बार ताकिद तरगीब ये सब इस्लाम की फजीलत में शामिल है और आप देखें कि इसी की खातिर ना कोई ज़ोर था ना जुल्म था जब शाह सऊद आए उस वक्त गुलाम बहुत और लौडियाँ बहुत कुछ थी हमें एक शेख नसीफ़ ने बताया कि जियाद के वसी मैदान में बाकायदा बकरियों और घोड़ों बकरों की तरह उनका बाजार लगता था और अलहमदिल्ला शाह सऊद ने सब ज़बरदस्ती आज़ाद कराया अलहमदिल्ला शुक्रिया जजाकुल्ला हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं डॉक्टर सचिन वो लिखते हैं उनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है लेकिन उर्दू में उसका मफहम यह है कि इस्लाम से पहले अलग अलग मज़हब थे इस्लाम ने आकर सबको ख़त्म कर दिया क्या ये बेइंसाफ़ी नहीं है आपने एक बात कही जो शायद आप ख़ुद उसकी तस्दीक ना करें आपने एक बात कही है कि इस्लाम से पहले अलग अलग दीन थे इस्लाम ने सबको ख़त्म किया ये बात तो सही नहीं मालूम होती है कहाँ कितने अधियान दुनिया में फैले हुए हैं इस वक्त इस्लाम अमन सलामती और शांति से उनको बुलाता है इस्लाम की तालीम है ला इक्र हाफुद्दीन जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है आप इनशाला सुनेंगे मैंने डेढ़ घंटे का एक टॉपिक दिया है जिसमें पूरा यही मजमून है कि पैर रसूल की रहमत लालमीनी ग़ैर मुस्लिमों के साथ सुबह गैर मुस्लिमों के साथ सिर्फ मैंने मुसलमानों के बारे में तो बिलमोमिन रहीम लेकिन वाक़त सच्चे वाक़ात गैर मुस्लिमों के साथ क्या रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे अधीन को ख़त्म किया ख़त्म नहीं कर रहा है अमन और सलामती से आपको बुला रहा है अगर आप कबूल करना चाहें और जानते हैं कि अल्लाह ताला अगर यकीन है कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेगा क़्यामत में तो उसके लिए और फिर जन्नत और जहन्नम पर यकीन है तो यकीनन इस्लाम ही के आखिरी दिन जिस तरह और दिनों से पहले जो अदीन थे बाद में जो दिन आया उन पर अमल करना उनका जरूरी था इसी तरह जो सबसे आखिरी दिन आया उन पर अमल करना हर एक को ज़रूरी है इस्लाम ने दावत देने की इजाज़त दी है और ज़बरदस्ती कत्ल करने की इजाजत नहीं दी है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए अगर इस्लाम ना लाएँ वाकयाती तौर पर ऐसा है भी नहीं मुझे ताजुब होता आपने कैसे ये बात कही अगर जंग के दरमियान जो दुश्मन हमें कत्ल करना चाहता है बुखारी शरीफ की रवायत है हजरत सामा इबन जैद रज़ी अल्लाह ने एक आदमी के ऊपर तलवार उठाई उसने ला इला मोहम्मद रसूल्ला कह दिया उनके पड़ोस में एक और मुसलमान थे ला इला कह देने के बाद भी उन्होंने तलवार से उसको कत्ल कर दिया जा करके दूसरे साथी ने प्यार रसूल से जिक्र किया कि हज़रत उसामा ने एक आदमी को कत्ल किया उसने ला इला कह दिया था प्यार रसूल को बहुत ही गम हुआ इससे और बहुत बड़ी इस्ताजमा बहुत बड़ी चीज़ समझी प्यारा रसूल ने कहा या उसामा अकतल तह अक़दा ला इलाहा इल्लल्लाह अकतल तह बार बार दोहराते रहे कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया इसके बावजूद तुमने कत्ल कर दिया हजरत उसामा उज्र कर रहे हैं अल्लाह के रसूल वो तो तलवार के डर से बचने के लिए खीला बहाना करके उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था प्यारा रसूल कहा अशक्त तलबाह एक रिवायत में हल्ला शकत तलबहू तुमने उसका दिल फाड़ के देखा था हो सकता है ईमान और इस्लाम उसी वक्त उसके दिल में आया हो देखिए इस्लाम की शांति परस्ती और ईमान परस्ती वो हमसे लड़ने आया हमें कत्ल करना चाहता था लेकिन तलवार उठा दिया फिर भी कत्ल करने का हक हाँ नहीं प्यार रसूल ने आखिरी बात जो कही या सामा कई ला तरह के अल्फाज हैं हदीस शरीफ के कि कियामत के दिन ला लाला तुम्हारी शिकायत करने आएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा तो कहने का मतलब है कि कोई ये ना कहे और यकीन ये सिर्फ तसुब की बात होगी कोई कहे कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है या इस्लाम ने तमाम अदियन को ख़त्म कर दिया तमाम अधीनान के बीच में खुद अदियान को पाला आप जानते हैं के केरूज के जमाने मुसलमानों के बगदाद के ज़माने में तमाम बख्तिशु और कौन कौन ईसाई और दूसरे दीन के डॉक्टर खुद हज़रत हारून रशीद के ज़माने में थे एक किताब है ओन अम्बा इब्न की कीम्बा फ़ी अखबारी अला और फिर अंदरुस् के ज़माने में भी इसी तरह रहा है उसकी हम मिसाल यही दे सकते हैं कि जो इस वक्त इस्लाम को अपना पहला दुश्मन गर्दानते हैं हमने जब होश संभाला तो संभाला तुमको तुमने जब होश संभाला तो संभालने न दिया शुक्रिया जजाक डॉक्टर साहब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है अल्लाह बख्श साहब की तरफ से जो बी कर रहे हैं तलबिल में ये ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है या सारी दुनिया आपकी उम्मती है देखिए अरबी के अतबार से और अला शरीय के अतबार से प्यारे रसूल के सब उम्मती हैं यानी कबूल करने वाले हैं इस्लाम को या ना कबूल करें वो सब उम्मत है लेकिन फ़र्क यह है कि ये उम्म दावा हैं और ये उम्मत इजाबत इसी से आप सुन लीजिए ने जो फ़र्क किया उमत दावा यानी उनको हमेशा दावत दी जाएगी दावत तब्लीग की जाएगी वो इस्लाम लाएं और उम्मत इजाबत जिन मुसलमानों ने उसको कबूल किया तो जिन्होंने कबूल किया वो आपके ख़ास उम्मत हुई और उन्हीं के बारे में है कि अगर रसूल की अतात करोगे तो हिदायत पाओगे जो अल्लाह रसूल की स्ान करेगा तो वो जहन्नमे दाखिल होगा ये फ़र्क है लेकिन सब प्यार रसूल की उम्म में शुमार हैं जी शुक्रिया जजाकमुल्ल असल जजा ये एक सवाल है नाम वाजह नहीं है इसमें पूछा जा रहा है कि आज के ज़माने में पर्दा ख़त्म हो रहा है और बेहाई आम हो रही है दुनिया में हर जगह इस्लामी कानून नहीं है ऐसी सूरत में गैर इस्लामी मुल्कों में ऐसे मसलों का इस्लाम के पास क्या हल है दुनिया में बेहयाई फैल रही है इस्लाम हया और इसमत की हिफाजत का हुक्म देता है दुनिया में जुल्म हो रहा है इस्लाम जुल्म ना करने का हुक्म दे रहा है दुनिया में सूद का रिवाज है इस्लाम सूद से मना कर रहा है दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी जाती है किसी भी काफिर मुल्क में मुसलमान के ऊपर वाजी हुए कहीं भी रहे वो मुसलमान होकर रहे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला वाला तमत वा वंतुम मुस्लिमून तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में यानी अब आप अगर किसी काफिर से काफिर मुल्क में जो इस्लाम का दुश्मन हो अगर वहाँ रहते हैं तो क्या फिर आप अपने दीन के अमाल पर अमल कर सकते हैं कि नहीं अगर नहीं अमल कर सकते इस कदर मजबूरी है तो फिर वहां से छोड़ करके ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ आजादी हो अगरचे काफिर ही मुल्क हो गैर मुल्क हो उसकी वाद मिसाल है प्यारे रसूल ने जब मक्के की सरजमीन मुसलमानों के ऊपर तंग हो गई तो प्यार रसूल ने कहा हबशा चले जाओ वो ईसाई बादशाह था फही नबी मलिकन आदिलन एक इंसाफ पसंद मलिक है बादशाह है गए और वहाँ उनको पनाह मिली इसी तरह अगर कहीं भी पनाह मिल रही है और दीन की आज़ादी है अपने बच्चों की तरबियत की आज़ादी है पर्दे से चलने की आज़ादी है तो वहाँ पनाह ले सकते हैं अगर नहीं है तो फिर ऐसी जगह पर आप क्यों जाएं जिसको हो जानो दिल आज़ीज़ उसकी गली में जाए क्यों नहीं जाना है कहीं भी ऐसी जगह पनाह ले, लेकिन अगर मजबूर हैं तो जिस क़दर नहीं निकल सकते हैं जिस क़दर इस्लाम के अमूर पर अमल कर सकते हैं करें और वाजिब है हिंदुस्तान के अंदर आप ये कहें कि इसमें कोई शक नहीं इस हुकूमत को ये तोफ़ीक हुई कि उसने सबको आज़ादी दी है अपने दीन पर अमल करने कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शोर शराबा करते हैं हमारा मशवरा है उनके लिए कि हर एक को आज़ादी दी जाए जो पसंद करे जैसा पसंद करे रहे लेकिन हम उसको अच्छी तरह अपने दीन की तरफ बुलाएँ और फिर जब हमें इजाज़त दे रही है कि हम पर्दे से चलें तो यहाँ दूसरों को देख करके हम बेपर्दा क्यों अपने बच्चों को होने दें तरबियत का यही असर होता है कुल मौलूद मऊलूदिन यूलफ़ित अबान नी माँ बाप ही की तरबियत से बच्ची बापरदा रह सकती है और हमने खुद देखा है आज कल जो रोह चल रही है अलहद ला मुझे बड़ी ख़ुशी होती है कि बाकायदा औरतें यूरोप में ख़ास तौर पर अमरीका और लंदन में बाकायदा शर् पर्दा करके चलती हैं कोई उन पर छेड़छाड़ नहीं करता है हाँ आपने सुना होगा फ़्रांस ने जो इस्लाम की दुश्मनी में उन्होंने मना किया है लेकिन फिर भी वहाँ भी चैलेंज करके लोग इस तरह जी रहे हैं तो हमें अगर इजाज़त मिल रही है तो हर चीज़ को आप किसी को कत्ल के बदले कत्ल नहीं कर सकते ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है लेकिन अगर चोरी कर रहा है तो चोर का हाथ भी नहीं काट सकते लेकिन अगर कोड़े मारने की इजाज़त दे रही है हुकूमत तो शराब पीने वाले को कोड़े मारिए जना करने वाले को कोड़े मारिए जैसे नमाज रोज़ा करना फ़र्ज़ है कहीं भी इस मुसलमान हो तो इस्लाम के अमाल पर जिस क़दर अमल कर सके वो भी करना फ़र्ज है और जो अमल नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला उसकी मजबूरी समझेंगे जज्ल ये डॉक्टर इजहार अहमद ख़ान हैं ये पूछते हैं कि अरब में जो जिंदा लड़कियां दफन किया करते थे क्या आज के वालदे जो शिकम मदर में लड़का है या लड़की मालूम करने के बाद लड़की का एबारशन यानी इसकात करवा देते हैं तो ये दोनों एक हुक्म में आएंगे यकीनन वो उसी गुनाह के मुर्तकिब हैं इसमें कोई शुबा नहीं और ख़ास तौर पर जब रूह फूक दी जाए कतले नफ्स का गुनाह उस शख्स के ऊपर पड़ेगा मैं एक बात कह दूँ मुझे अच्छी तरह याद है मक्के में अलहमदिल्ला बहुत से लोग बहुत से मसाइल फतावे पूछते रहते हैं रोज़ाना टेलीफोन पचास साठ सौ बाहर से भी आता रहता है एक शख्स ने पूछा मक्के में हमारा शागिर्द है अब तो टीचर हो गया कहा मेरी बीवी के हमल है लेकिन अब यकीन से कहा उन्होंने कि वो चिकन क्या होती है बीमारी बच्चे को और सर उसका दो सर है कहते हैं कि इसको गिरा दो हमने कहा कि किसी हालत में पहले ही महीने में अल्लाह ने चाहा कि बच्चा पैदा हो जो भी डॉक्टर कहें उसकी तस्दीक ना कीजिए छोड़ दीजिए अल्लाह गवाह है उस शख्स मेरे कहने पर कई डॉक्टरों ने कहा लेकिन उसने छोड़ दिया और फिर वो कहता है कि हमारे तीन बच्चे हैं सबसे ज़्यादा जहीन और सबसे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ आप पूछें एक साहब हैं शाकिर कलिया हदीस के जो होंगे यहाँ तालब इम कोई वो बता सकते हैं कि उनके ज़रिए से एक तालबिल ने आज से आठ महीना पहले एक साल पहले मुझसे पूछा था उनका नाम है हाफिज़ इनायतल या कुछ ऐसे नाम है मैं अभी गया था जुलाई में हैदराबाद फिर वहाँ से गया बंगलोर बहुत बड़ा अलहमदिल्ला उन्होंने इंतज़ाम किया था लेक्चर का अल्लाह के फजल से उसमें देखा लेक्चर के बाद जब लोग चले गए तो एक आदमी अपने बच्चे को उठाए लिए चला आ रहा है बड़ी तेज़ी से हंसते हुए हमारी तरफ उसने फ़ोन से पूछा था बच्चा पाँच महीने का हो गया था तमाम डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्चा आपके लिए अगर मुर्दा पैदा होगा तो बीवी के लिए माँ के लिए मुसीबत होगी ऑपरेशन से पैदा होगा और अगर जिंदा रहेगा तो आपके लिए ज़िंदगी भर मुसीबत का सामान बनेगा मैंने कहा देखिए अल्लाह पर भरोसा रखिए अल्लाह ही खालिक मालिक है अगर अल्लाह ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर अल्लाह और इज़्ज़त मुबतला ही करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको अजर देंगे आप एक हरकत करते हुए बच्चे को कत्ल ना कीजिए बहुत बड़ा गुना है अल्लाह गवाह है आप पूछिए तहकीक कीजिए वो लेकर के आए बच्चे को बहुत खूबसूरत रंग भी सब कुछ कहता है कि कोई बीमारी नहीं ये हमाम से पूछा उन्होंने वहाँ मैं मक्के में था ये बंगलौर से पूछ रहे हैं हमने कहा देखिए अगर हमारा मसवा ले रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते मसला छोड़ दे इस वजह से हमें हर शख्स चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हर एक को नसीहत है कि बच्चों को डॉक्टरों के कहने पर मुसलमान ही डॉक्टर हो तो उसके कहने पर मुसलमान ना माने या कोई भी ना माने छोड़ दें अगर अल्लाह तारा ने मुबला करना चाहे तो जित जितने दिन तक मुबतला होगा आदमी तो उसको अजर ही मिलेगा लेकिन एक जान को मार करके बहुत बड़ा गुनाह ला देंगे मोहम्मद फजल वहीद साहब ये सवाल कर रहे हैं असलकुम तेईस साल के मुख्तर अरसे में इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ गया फिर आज हम लाखों की तादाद में होकर यह सूरत हाल क्यों नहीं है ये सूरत हाल वही है जैसा कि प्यार रसूल ने फरमाया है कि तुम लाइन तबाया तुम इना की बायत करोगे हराम बायत करोगे व अखज़ तुम अदना बलबकर और बैल की दुम पकड़ करके तुम खेती बाड़ी करने लोगे वह तरक् तुम्लजहाद सल्लिकुम अदुम अगर जिहाद छोड़ दोगे तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं उस पर भी तुम नहीं उनसे उनका मुकाबला करोगे तो यकीनन तुम्हें वो जलील कर लेंगे कर रसूल से इसी तरह के एक रिवायत में आया है कि एक ज़माना आएगा कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगे जैसे भूखे खाने की तरफ़ दौड़ पड़ते हैं साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम उस वक्त थोड़े होंगे क्या रसूल ने फरमाया ला ला बल्कर वाला किन्न कम गुस्सा उनका गुस्सा इस सैल तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम्हारी तादाद की कोई अहमियत और हैसियत न जाएगी जैसे सैलाब में झाग ऊपर बहता चला जाता है इसी तरह तुम बह जाओगे उसी में हकीकत यह है अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसा कि कहा है कि वन आर वन विक्री फिन नीशतम वन का वन शुरु या मल्कि मत आम जो शख्स मेरी याद से एराज करेगा तो उसके लिए ज़िंदगी भी तंग होगी वही हालत होती है जैसा कि अल्लाह ताला ने तरह अगर ये लोग ईमान लाएँ तो ज़मीन आसमान की बरकतें उनके ऊपर खोल दें जी एक सवाल है बहन फरहीन की तरफ से वो कहती हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने वालदेन की इजाज़त के बगैर कोर्ट में जाके शादी करे तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है कुरान हदीस से वाजे करें ऊँट ने ऊँट तेरी कौन कल सीधी तमाम मामला जब उल्टे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं रह गई बात अगर इस्लामी अखलाक या इस्लामी कानून का आपने सुना होगा बरतानिया ने बाकायदा इस किस्म के मामलों में बाकायदा एक वजारत बनाई है और मुसलमानों के अहवाल खादस की इजाज़त दी है अगर ऐसी इजाज़त है तो आप कोर्ट से तलब करें कि हमारी शरीयत में है पैर रसूल ने फरमाया है लिका इल्ला बे वली ला निका लाल नफिल जिन्स ला निकाह इल्ला बे वलिन व शाहिद अदल बग़ैर वली के और दो सच्चे गवाहों के निका हो ही नहीं सकती वली कौन होगा सबसे पहले बाप नहीं तो भाई बड़े दादा जो कुछ इस तरह के नहीं तो मामू इस तरह के बग़ैर वली के निकाह जायज़ नहीं है अगर जा कर के कोर्ट में शादी कर लेती है तो गोया वो आपने तरबियत ही ऐसी की होगी आपने छोड़ा होगा आज़ाद खुद आप उसके पीछे अब रोएं यकीनन आप जहां भी तरबियत की कमी हुई इस किस्म के वाक़ात सुनने में आए हैं आप अब उसके पीछे रोएं, आप ही उसके ज़िम्मेदार हैं और बच्ची को अगर सम... ये हिरस है ये लालच है कि हम अपने दीन को महफूज रखें तो इस किस्म की शादी उसके लिए करना जायज़ नहीं यानी ये कि अगर ताकत हो तो इस किस्म की शादी को फंस कर दिया जाएगा फिर उसके बाद माँ बाप अगर राजी हैं तो उसी से शादी कराई जाएगी वरना फिर कहीं और शादी हो ये है इस्लामी हुक्म जजाकमल जजा एक सवाल आया हुआ है कि मियाँ बीवी रिश्ते में क्या बीवी को अपनी इज्जत नहीं है मतलब इस सवाल का यह अल्फाज चेंज है वो ये कि क्या इस्लाम ने बासियत बीवी एक औरत को कोई इज्जत नहीं दी है कि शौहर जैसा चाहे उसके साथ बर्ताव करे अल्लाह अकबर इस्लाम ही ने तो इज़्ज़त दी है आप तारीख़ देखें यही बरतानिया की 40 साल पहले सिर्फ अभी उनके यहाँ ये निज़ाम ये क़ानून था कि शौहर अपनी बीवी को कत्ल भी कर दे तो कुछ नहीं उस पर मुआज़ा और बीवी को बेच भी सकता था चालीस साल पहले सिर्फ़ हमने बहुत कुछ मताला किया और जा करके उनके घर में इसका ऐलान करता हूँ इसी मौजू पर कि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था औरतों को महरूम करते थे वरासत से इस्लाम ने वरासत दी कहते हैं लड़के का आधा क्यों लड़की को दिया लड़की जा के शादी कर लेगी उसका वो आधा पैसा महफूज रहेगा लड़का शादी करेगा हज़ारों खर्च उसके ऊपर होगा इस्लाम ने इंसाफ से ये तकसीम किया है लेकिन अगर ज़िंदगी में बाप देता है लड़कों और लड़कियों को तो बराबर हैबा देना है तो कहने का मतलब है कि इस्लाम ही ने औरत को इज्जत दी है यही औरत किसी ज़माने में यूनान जैसे तरक् याफ्ता मुल्क में बहस में पड़ी थी कि ये जिन है शैतान है या इंसान है सुबह अल्लाह इस्लाम ने कहा कि नहीं बाघ मिन बाद और खलाकाकुम मिन नफसी वाहिदा जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया व ख़ला मिनहा मिना और उसकी बीवी को उसी जान से पैदा किया प्यार रसूल ने फरमाया मसाइल में इन नमन नसा व शकायर्र जल औरतों का हक मर्दों से फाड़ करके निकाला गया है गोया उन्हीं से फटी हुई हैं दूर नहीं है जैसा कि आयत में है कि तुम्हारा उनके ऊपर हक़ है और उनका तुम्हारे ऊपर हक़ है इसकी तफसील आप इन अल्लाह करे तोीक़ दे मुझे मौका नहीं मिलता है बहुत कुछ तकरीरें करके इधर उधर गुजर जाता हूँ लेकिन ख़ास तौर पर हकूक़ औरतों के हकूक़ के बारे में अलहमदिल्ला एक किताब हमारी है अल्लाह करे कि अरबी में है उसको उर्दू में किया जा सके जी जजाकल्ला ये मोहम्मद मुबीनुद्दीन साहब ये जानना चाहते हैं कि तोद की मुकम्मल तारीफ क्या होगी तोहैद व तो अरबी पढ़ने वाले जानते हैं कि ये बाब तफरील का सेगा वहद के माने एक उसी से अहद बना है वाहिद के माने एक तोहद के माने एक करना यानी तफरीद अल्लाह बहुत हैं नहीं अल्लाह को एक जानो अल्लाह के अवसाफ जो है उसके ताबे तोहहीद है अल्लाह का कोई बेटा नहीं ना अल्लाह किसी का बेटा है अल्लाह का कोई शरीक नहीं फिर अल्लाह की जो सिफात है वो तो सिफात हुए जो कुछ बंदा करता है उसमें अल्लाह को एक कर समझे सजदा बंदे का काम है किसी दूसरे के लिए सजदा ना करें अल्लाह जो कुछ करते हैं उसमें किसी को शरीक ना करें यह रबूबियत है अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह औलाद देता है सब कुछ ये तोहदे रबूब तोहदलोहीत तोबूबीत व सिफात अल्लाह ने जो अपने आसमा रखे हैं उसी पर ईमान रखें अल्लाह अर्श पर हैं उसी तरह ईमान रखें ये तोहद के माने हैं तोहीद का असल माने अल्लाह को एक समझो जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी कीमती वक्त आपका हम लोगों को मिला और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह तबारा से दुआ करते हैं कि आपको सेहत दे और आपसे उम्मत को और पूरी इंसानियत को भरपूर फ़ायदा उठाने की तोफ़ी दे हम आपके शुक्रिया के साथ इस जलसे के अख्ताम का ऐलान करते हैं और हम अपने साम का और सामियात का अपने मोहतरम खवतन का सभी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी दिलजमी से सुना हम डॉक्टर महतरम को अलविदा कहते हैं और अल्लाहबारा से आप सब उनके लिए दुआ करें हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें उनकी सेहत के लिए सलामती के लिए और आखिरत में अल्लाह तबारा उन्हें इसका बेहतरीन अजर दे وجزاهم الله احسن الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته